गुड मॉर्निंग माधुरी हैज अस माधुरी ओझा जी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू डूइंग कैसे हैं आप आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट सो दैट आई कैन सी दैट यू आर देयर गुड मॉर्निंग खुशहाली हाउ आर यू सेवन पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड वेरी गुड गुड मॉर्निंग आई वेलकम यू Shweta has also joined us. Good morning, everyone. Doing great. Thank you. Today we are going to talk about time management. I think this is need of the hour. A very important topic. Is. जिस पे हम सबको सिंसियरली डिस्कस करने की और सोचने की ज़रूरत है टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक इफ आई टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं जब मैं आपसे बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो ये समझ के देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है uh, क्या मेरी आवाज आप सब लोगों को क्लियर है एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू इफ माई वॉइस इज क्लियर प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सेंड मी द मैसेज सो दैट आई कैन सी दैट सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट को समझते हैं देखिए सबसे ऑथेंटिक तरीका होता है किसी भी टॉपिक को समझने का सबसे पहले उन वर्ड्स को लेते हैं टाइम और मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट पे जब भी हम बात करेंगे सबसे पहले समझते हैं टाइम होता क्या है नाउ इफ आई ट्राई टू डिफाइन टाइम टाइम का मतलब होता है इट्स एन ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हाउ यू मेजर टाइम वन आवर टू आवर इज अ डिफरेंट थिंग सेकेंडली कितना रहा है इज नॉट टाइम राइट सो इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि टाइम होता क्या है तो सुबह से लेकर शाम तक कई बार आपने देखा होगा यार मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था आज तो तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था आज का मतलब क्या है आज तुम्हारे पास ज्यादा घंटे थे क्या ऐसा तो है नहीं तो इफ यू से कि आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था दैट मीन्स आज तुम्हारे पास उतने ही टाइम में करने के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज थी कि जितना टाइम तुम्हारे पास रोज रहता है आज उतना ही टाइम कम पड़ गया राइट right. सो so, अगर मेरे पास टोटल 24 घंटे हैं और अगर उन 24 घंटे में मेरे पास करने के लिए काम ज्यादा है तो अब मैं क्या बोलूंगा यार मेरे पास टाइम कम है तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं टाइम कम या ज्यादा नहीं होता उस पर्टिकुलर टाइम में करने के लिए हमारे पास जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं उतने के ही अनुसार वो टाइम कम पड़ने लगता है अब जैसे मैं बात करूं आकांक्षू सर गुड मॉर्निंग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरी वन हुज्वाइन दस सुमित सर इज ऑल्सो विद अस श्वेता हैजॉइन दस पंकज इज ऑल्सो विद अस थैंक यू सो मच आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी डिफाइन टाइम तो टाइम को जो डिफाइन करने का तरीका होता है वो होता है ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलते आ रहे हैं और टाइम क्या है तो टाइम इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सीक्वेंसिंग जो है आप देखिए कई बार आज आजकल मीम्स भी बहुत चल रहे हैं आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे अपने रिलेटिव से बात करेंगे तो एक बात बहुत सन, सुनने में आ रही है कि यार टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल मेरे को टाइम नहीं मिल रहा सॉरी इसका जस्ट उल्टा कि यार टाइम पास ही नहीं हो रहा मेरा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं सुबह से शाम तक करूं क्या जब तक काम कर रहे थे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज थी करने के लिए कि यही टाइम कम पड़ रहा था और अब क्या हो रहा है अब ये हो रहा है कि अब एक्टिविटीज बिल्कुल कम हो गई है और टाइम उतना ही है तो वो टाइम कट नहीं रहा तो जब मैं आपसे बोलता हूं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो आप पिछले कुछ समय में अगर हम नोटिस करें तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक करने के लिए कुछ काम ही नहीं है जैसे हमने दिन भर के थोड़े बहुत काम निपटा लिए उसके बाद वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू और इसीलिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हमारे पास बच जाता है यानी टाइम कम होना या ज्यादा होना इज़ अबाउट द एक्टिविटीज या इवेंट्स वी डू इन अ पर्टिकुलर डे तो जब हम बोलते हैं यार मैं बहुत बिजी चल रहा हूं उसका मतलब है उतने ही टाइम में कायदे से मुझे जितनी एक्टिविटीज करनी चाहिए उससे ज्यादा एक्टिविटीज लाइंड अप है ये हो गया मतलब टाइम का आप समझते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है मैनेजमेंट की डिक्शनरी डेफिनेशन जो है वो ये होती है टू डील विद और कंट्रोल सम और समथिंग फॉर मैग्मम प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है जितने भी रिसोर्सेज जितनी भी एनर्जी जितना भी टाइम हमारे पास है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना और उसके लिए क्या करना उसके लिए कंट्रोल करना उन रिसोर्सेज को उसके लिए उन्हें बेटर मैनेज करना यानी यू नीड टू कंट्रोल इट तो जब मैं टाइम कंट्रोल कर लूंगा अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करने के लिए तो मैं उसी चीज को क्या बोलूंगा कि मैंने टाइम मैनेज कर लिया इसी चीज को कुछ लोग कैसे बताते हैं सर टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता आ, सर सेल्फ मैनेजमेंट होता है हम टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं क्योंकि टाइम मैनेज करना हमारे हाथ में नहीं है हमारे हाथ में तो सिर्फ अपने आप को मैनेज करना है आप अपने आप को मैनेज करके एक्चुअली कर क्या रहे हैं आप अल्टीमेटली मैनेज उस टाइम को ही कर रहे हैं अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस लाकर अल्टीमेटली वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड जो वर्ड कंट्रोल होता है देखिए यहां पर एक एक डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बोलेंगे जब आप मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट का मतलब होता है टू डील विद और टू कंट्रोल और कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल के दो मतलब होते हैं कंट्रोल का पहला मतलब होता है मैनुपुलेशन और कंट्रोल का दूसरा मतलब होता है डिप्लॉयमेंट यानी जब आप किसी चीज को सही तरीके से डिप्लॉय करते हैं तो उसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करना मैनुपुलेट करने का मतलब होता है किसी को अपने पर्सनल गेन के लिए कंट्रोल करना जहां पर जरूरत पड़ रही है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा करना जहां पर जरूरत पड़ रही है उसका यूटिलाइजेशन कम करना सो so, आप जब मैं आपसे बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट की तो इसका मतलब होता है हर एक्टिविटी जो मैं करता हूं देखिए दो बातें यहां पर बहुत क्लियर तरीके से समझते हैं पहली बात क्या समझते हैं पहली बात यह समझते हैं कि आपको ये बात समझना है टाइम मैनेजमेंट के तीन जो एक बेसिक से सिद्धांत होते हैं वो हमें क्या समझना है सो देर आर थ्री बेसिक सिद्धांत थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट पहला बेसिक प्रिंसिपल क्या है पहला बेसिक प्रिंसिपल बोलता है टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वी कैन नॉट हैव मोर टाइम एक सिंपल सी बात ये समझ लेना जो दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है सबसे बड़ा ट्रुथ है कि टाइम कभी भी ज्यादा नहीं लाया जा सकता चौबीस कोई व्यक्ति लाइफ में कितना भी सक्सेसफुल हो कितना भी फेलियर हो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए उसके पास पर्सनली 24 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं हो सकता तो टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है क्योंकि भैया इतना ही टाइम है इसी को मैनेज करना है इसी से अंबानी अंबानी बन गया इसी से तेंदुलकर तेंदुलकर बन गया इसी से सलमान खान सलमान खान बन गया और इसी से हम वो हैं जो अभी हैं और इसी टाइम से हम वो बन सकते हैं जो हम बन सकते हैं जो हमारे अंदर पॉसिबिलिटी है यानी पहली बात टाइम उतना ही रहेगा दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात जो टाइम मैनेजमेंट में समझनी है वी कैन डू एनी बट वी कैन नॉट डू एवरीथिंग हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं पर सब कुछ नहीं कर सकते और कुछ भी कर सकते हैं का मतलब है हम यही टाइम यही 24 घंटे दुनिया की किसी भी एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं पर क्योंकि टाइम लिमिटेड हैं और चीज़ें इंडेफिनेट हैं अनलिमिटेड हैं करने के लिए तभी दिक्कत ये आती है कि हमें ये बात समझना है हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी जरूरी है हमारे लिए कौन सा इवेंट जरूरी है अगर मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है तो उन इतने सारे एक्टिविटीज में से उन इतने सारे इवेंट्स में से कौन से इवेंट्स हैं जो मुझे करना चाहिए सो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल द फर्स्ट प्रिंसिपल इज वी कैन नॉट हैव मोर टाइम द सेकेंड प्रिंसिपल इज वी कैन डू एनी थिंग बट वी कैन नॉट डू एवरीथिंग एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑल एक्टिविटीज ऑल इवेंट्स आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ हम सुबह से शाम तक करते हैं हर एक्टिविटी की लाइफ में उतनी इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं होती जिस तरीके से अगर मेरी लाइफ में 40-50 लाख चालीस 40, पचास लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति मेरे लिए उतना ही इम्पॉटेंट है जब मैं अपने गोल सेट करूँगा तो मेरे लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्रायोरिटी बन जाएंगी आप ये बात समझिए सबसे इंपॉर्टेंट थैंक यू विकास जी थैंक यू अनिल करिया जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी आप इस बात को समझिए कि जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात होगी तो टाइम मैनेजमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमेशा एक ही रहेगा वो रहेगा गोल सेटिंग क्योंकि टाइम देखिए टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है जिसकी जरूरत ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है सिंपल सा मतलब समझिए रूल ऑफ थम है ये कभी चेंज नहीं होने वाला क्या चेंज नहीं होने वाला टाइम हमेशा कम पड़ेगा और टाइम की जरूरत हमेशा ज्यादा रहेगी पर टाइम कम क्यों पड़ेगा टाइम कम इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम लोगों के लाइफ में गोल्स हैं जिन लोगों की लाइफ में गोल्स नहीं हैं, उन लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है चाहे मैं यहां पर आकर लेक्चर दे दूं चाहे अमृतसर कुछ बोल दें चाहे कोई और ट्रेनर आकर विकास जी आकर कुछ बोल दें आपसे तब तक कोई मतलब निकल कर नहीं आने वाला आपकी कितनी भी फैकल्टीज आपके घर वाले कितनी भी बातें कर लें कि बेटा टाइम का यूटिलाइजेशन समझो टाइम की वैल्यू समझो पर टाइम की वैल्यू वो व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता जिसके लाइफ में गोल्स नहीं है जब मैं आपसे बोलूंगा प्रायोरिटाइज करो तब भी आप किस आधार पर प्रायोरिटाइज करोगे प्रायोरिटाइजेशन का आधार भी हमेशा एक ही होगा टू अचीव योर गोल्स गाइज आई वॉन्ट थैंक यू सो मच देर आर सिक्सटी फाइव पीपल राइट नाउ प्लीज गाइज अगर आपको मैसेज अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक इट एंड शो इट ताकि समझ में आए कि हां आप उस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं आपको समझ में आ रहा है दूसरी बात प्लीज शेयर दिस मैसेज टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें वॉच पार्टी होस्ट करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए सो ना अब अगर हम सेकेंड पार्ट पे आए अभी तक हमने डिस्कस किया कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और अब हम डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट का पर्पज़ क्या है तो टाइम मैनेजमेंट का पर्पज़ क्या है टाइम मैनेजमेंट का पर्पज़ है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होना ज़्यादा इफ़िशेंट होना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आना किसी भी चीज़ में रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस बात को समझना कि आपके ऊपर कभी भी स्ट्रेस ना पड़े क्योंकि जब भी आपके ऊपर एक नेगेटिव स्ट्रेस पड़ेगा जब आप उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे देखिए स्ट्रेस पर जब मैं बात करूंगा तो आई विल बी टॉक अबाउट यू नो द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस बट यहां पर समझिए जब भी आप प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो आपके ऊपर एक स्ट्रेस आएगा आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा उस प्रेशर को डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए प्रेशर नहीं आएगा तो कुछ होने वाला नहीं है तो जब तक गोल नहीं होगा आपके पास आपके पास कभी प्रेशर नहीं आएगा बट आपके पास क्योंकि गोल है पर आपके पास टाइम लिमिटेड है आपको अपनी लाइफ के सारे काम करना है आपको अपनी पर्सनल चीज़ों को भी टाइम देना है फैमिली को भी टाइम देना है फ्रेंड्स को भी टाइम देना है राइट आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं जहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने कस्टमर्स को क्लाइंट्स को भी टाइम देना है तो इस बात को समझते हैं कि टाइम बहुत भागों में बढ़ जाता है पर हर इवेंट हमारे लिए उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो अब समझ के देखते हैं ये वर्क कैसे करता है तो टाइम मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है सबसे पहली शर्त होती है टाइम मैनेजमेंट को वर्क करने के लिए आपके पास एक गोल होना अब जैसे ही आपके पास एक गोल आया आपने गोल सेट किया गोल सेटिंग कैसे होगी तो गोल सेटिंग के ऊपर आई हैव टेकन लास्ट सेमिनार एज वेल जो मैंने लास्ट सेमिनार लिया था 28 तारीख को दैट वाज अबाउट द वन थिंग उसके अलावा माय नेम इज मायंग गुप्ता आप मेरे पेज पर भी विजिट कर सकते हैं वहाँ पर मैं इस तरीके से रेगुलर पोस्ट डालता रहता हूँ जिसमें मैं इस तरीके से प्रोडक्टिव सेमिनार्स लेता हूँ आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं मैंने एक सेमिनार लिया हुआ है गोल सेटिंग के ऊपर एक लाइव सेशन है आप उस सेशन को भी फॉलो कर सकते हैं आपको और डिटेल में वो भी चीज़ें समझ में आएंगी खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट अभी गोल से गोल सेटिंग के ऊपर सेशन नहीं है पुंकेश जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गोल सेटिंग का सेशन नहीं है अभी सेशन है टाइम मैनेजमेंट का तो जैसे ही आपने गोल सेट कर लिया आप जैसे ही गोल सेट किया तो अब आपके पास एक पूरा प्रोसेस आ जाएगा देखिए गोल सेट करने से लेकर गोल अचीव करने के बीच में देर इज अ फोर स्टेप प्रोसेस ये फोर स्टेप प्रोसेस के बिना कोई गोल आज तक अचीव नहीं हुआ वो फोर स्टेप प्रोसेस क्या कहलाती है वो फोर स्टेप प्रोसेस है पीपीओआई प्रोसेस पीपीओआई प्रोसेस पीपीओआई का मतलब क्या है प्रायोरिटाइजेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग टाइम लिमिटेड है तो चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा प्रायोरिटाइज करने का मतलब है चीजों की इंपॉर्टेंस को समझना चीजों के सिग्निफिकेंस को समझना चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है यह कैसे डिसाइड होगा तो सबसे पहली शर्त क्या है आपको पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए क्या आपको अगर यह चीज क्लियर है आप लाइफ में क्या चाहते हैं ये आपने अक्सर यह थॉट सुना होगा लोगों के से आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी आप चाहते क्या है, आप उसे कभी अचीव नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आप पच्चीस चीजें करेंगे पर पच्चीस चीजें इक्वली प्रोडक्टिव नहीं होंगी आपकी गोल अचीवमेंट में तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो मेरे को 25 टास्क पर डे करने होते हैं उनमें से कौन से वो पांच टास्क हैं उनमें से वो कौन सी तीन चार ऐसी एक्टिविटीज हैं जो मेरे लिए एमआईटी हैं जो मेरे लिए की स्टोन हैबिट्स हैं मैंने पिछले सेशन में भी बात की थी आपसे की स्टोन हैबिट्स के बारे में की स्टोन हैबिट्स का मतलब होता है लाइफ के वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे उन गोल्स को अचीव करने के और नज़दीक लेकर जाती हैं तो जब प्रायोरिटाइजेशन कर लिया तो समझ लिया कि क्योंकि करना तो मुझे पच्चीस चीज़ें पर हर चीज़ मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के आधार पर चीज़ें डिवाइड कर ली मैंने पता लगा लिया कि मेरे लिए कौन से टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मेरे लिए कौन से टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया प्रायोरिटाइज कर लिया दूसरी चीज क्या हो गई प्लान हो गया प्लानिंग का मतलब क्या होता है आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं बट जब तक आपके पास एक एक्शन एक एक प्लान नहीं आएगा आपके पास एक टू डू लिस्ट नहीं आएगी आपके पास जब तक एक प्रॉपर तरीके से एक एक्शन एक प्लान नहीं होगा कि मुझे करना क्या है देखिए मैं अचीव क्या करना चाहता हूं मुझे लाइफ में हासिल क्या करना है पर उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा तो पहली बात आप अपने आप से पूछिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हो सकता है आपने गोल सेट किया हो कि अब मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा अब मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखूंगा तो आपने प्रायोरिटाइज किया कि आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हो सकता है आपके लिए सुबह उठकर एक घंटा घूमना इंपॉर्टेंट हो हो सकता है आपने इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ किया हो कि अब आप एक हेल्दी ईटिंग करेंगे तो अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि यार मुझे एक हेल्दी लाइफ जीनी है उसके लिए मैं अपनी डाइट इंप्रूव करूंगा तो अब आपके पास क्या आ गया एक गोल आ गया कि यू नीड टू इंप्रूव योर डाइट पर जैसे ही आप प्लानिंग वाले स्टेज में पहुंचेंगे तो अब आप आइडेंटिफाई करेंगे भाई डाइट तो इंप्रूव करूंगा पर मैं डाइट इंप्रूव में करूंगा क्या तो डाइट इंप्रूव में अब मैं कुछ चीजें करूंगा तो क्या कुछ चीजें होंगी तो वो जो एक्शनेबल्स होंगे फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादा पानी पीऊंगा अगर मैं अभी तक दो गिलास तीन गिलास पानी पीता था एक लीटर या दो लीटर पानी पीता था और मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पांच लीटर है भले ही मैं एकदम से पांच लीटर पानी नहीं पी सकता बट मैं इवेंचुअली इस चीज को बढ़ा सकता हूं तो अब मैंने क्या किया प्लानिंग का मतलब हो गया भैया ठीक है मैंने नेट पे रिसर्च कर ली मैंने पता लगा लिया कि अगर मुझे अपनी बॉडी को ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे चार लीटर पानी पीना पड़ेगा चार लीटर पानी पीने का मतलब है मुझे छह गिलास पानी पीना है फॉर एग्जाम्पल अभी तक मैं कितने पी रहा हूं तीन गिलास अब मुझे क्या करना है इसको डबल करना है छह गिलास पानी पीना तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया आपने प्लान कर लिया कि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है तो हेल्दी लाइफ का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं होता पर पानी पीना भी हेल्दी लाइफ का एक पार्ट हो गया इसका दूसरा पार्ट क्या हो गया कि मैं जंक फूड अवॉइड करूंगा ठीक है तो अब आपके पास एक और एक्शनेबल आ गया कि जब भी जंक फूड देखूंगा अचार देखूंगा पापड़ देखूंगा मसाले वाला खाना देखूंगा तो वो अवॉइड करूंगा तो अगेन क्या आ गया सतविंदर सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग क्या आ गया आपके पास आपके पास आ गया एक प्लान कि क्या क्या चीजें करूंगा क्या क्या चीजें नहीं करूंगा अब अगली चीज आ गई ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्योंकि सबसे ज्यादा एफर्ट वेस्ट कहाँ होता है सबसे ज्यादा एफर्ट वेस्ट होता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में कई बार लोग समझते हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों एक ही चीजें हैं नहीं प्लानिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप करेंगे क्या ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट बिल्डिंग अ सिस्टम अराउंड इट जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब ऑफिस जाते हैं आप अपने डेस्क पर बैठते हैं अब आप आठ घंटे अपनी डेस्क के ऊपर स्पेंड करते हैं यानी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग एक तिहाई हिस्सा एक डेस्क के ऊपर बैठने में जा रहा है अब डेस्क के ऊपर बैठने में अगर आप एक तिहाई हिस्सा अपने अगर लाइफ का लगा रहे हैं उसके ऊपर तो उसका मतलब है वहां पर आप एक रिमाइंडर सेट कर लीजिए जहां पर लिखा हो ड्रिंक मोर वाटर या वहां पर एक बॉटल भर के रखिए उस बॉटल को जब भी आप देखेंगे तो वो बॉटल एक ऐसी जगह रखिए जहां पर आपको वो बार बार दिखे अब जब आपको बार बार वो बॉटल दिखेगी तो आपकी ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड हो जाएगा हाँ मुझे पानी पीने की जरूरत है तो प्लानिंग इज अबाउट क्रिएटिंग दिस गोल के आ, मुझे छः गिलास पानी पीना है ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट अरेंजिंग योर लाइफ इन सच अ वे क्रिएटिंग अ सिस्टम जहां पर आपको पानी ज्यादा से ज्यादा दिखे आपको ये बात समझ में आए आपने एक सिंपल सा सिस्टम क्रिएट कर लिया आपने बॉटल एक पूरी बॉटल ली है अब अगर आपको चार लीटर पानी पीना है यानी एक एक लीटर की चार बोतलें खत्म करनी है तो आपने एक ऑर्गेनाइजिंग किस तरीके से कर ली कि सुबह उठ के ऑफिस के लिए जाने तक मैं एक बोतल ख़त्म करूंगा एक बोतल मैं ऑफिस से आने के बाद सोने तक ख़त्म करूंगा और दो बोतलें मैं ऑफिस में ख़त्म करूंगा तो अब अगर आपके पास एक पूरा सिस्टम आ गया ऑफिस पहुंचने से ऑफिस निकलने तक का तो बीच का एक टाइम हो गया लंच अब आप आपने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया एक बोतल ऑफिस पहुंचने से पहले एक बोतल ऑफिस से निकलने के बाद और सोने से पहले एक बोतल लंच तक और एक बोतल लंच से लेकर ऑफिस छोड़ने के पहले तक आपने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया दो बोतलें भर के रख ली आपने अपने सामने जहां पर आपको पता चल गया बिफोर लंच आफ्टर लंच क्या कर लिया आपने आपने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया आप पढ़ना चाहते हैं आप लिखना चाहते हैं राइट कई बार मैक्सिमम लोग मुझे जो बोलते हैं सर मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूं पर मैं कर नहीं पाता मैंने पूछा फॉर एग्जांपल बताओ सर मैं लिखना चाहता हूं क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पर आप जैसे ही सुबह सोकर उठें तो रेदर देन आप एक यू नो मोबाइल फ़ोन को एकदम से हाथ लगाकर एक रिएक्टिव अप्रोच अपनाएं कि आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन आ गया और आप अगले आधा घंटे तक पंद्रह बीस मिनट तक आप वहीं लगें आपने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया कि आप अपना मोबाइल अपने से दूर रख सोए हैं और जहाँ पर आप मोबाइल यूज़ करते थे वहीं पर आपने एक डायरी रख ली और सुबह उठते साथ ही आपने वो मोबाइल फ़ोन उठाने के बजाय वो डायरी उठाई क्या किया आपने यहाँ पर आपने एक सिस्टम बिल्ड किया वो चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए वो अवॉइड की जो चीज़ें आपको चाहिए आपको हेल्दी डाइट अपनानी है आपने बहुत सारा बिस्किट बहुत सारा यू नो स्नैक्स रखा हुआ है लेज रखा हुआ है बालाजी के वेफर्स रखे हुए हैं इतनी सारी चीज़ें किचन में रखी हुई हैं अब आप जब भी किचन जाओगे वो चीज़ें आपको दिखेंगी और आपका मन करेगा कि मैं आप उसे खा लूँ आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया अपने किचन को अपने जो गोल है उसके अनुसार तो आपका गोल क्या है आपका गोल है एक हेल्दी लाइफ जीना उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा हेल्दी खाना खाना पड़ेगा उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है अपने किचन से अनहेल्दी खाना निकालना अपने फ्रिज से जंक फूड निकालना वो मायोनीस की बोतल हटा देना वो पिज्जा सॉस हटा देना वो ब्रेड हटा देना जो मैदे की है आटे की नहीं है तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजिंग से क्या हो गया आपने चीज़ें स्ट्रक्चर्ड कर ली और ऑर्गेनाइजिंग के बाद लास्ट आ गया इम्प्लीमेंटिंग किस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट करना है कितना टाइम किस चीज़ के ऊपर देना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैंने आपसे चार चीज़ों पर बात की चार चीज़ें कौन कौन सी थी सबसे पहले मैंने बात की कि आपके गोल सेट करने और गोल अचीव करने के पहले जो एक प्रोसेस आती है उस प्रोसेस को बोलते हैं पी पी ओ आई पी पी ओ वाई का मतलब क्या होता है पी पी ओ आई का मतलब होता है प्रायोरिटाइजिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अब समझते हैं मैंने आपसे बात की थी कई मैक्सिमम लोग जब मेरे से टाइम मैनेजमेंट पे बात होती है तो वो ये बोलते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं होता सर हमें समझ में नहीं आता है टाइम का क्या करना है आ, सर बहुत बिजी रहता हूँ मैं तो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी बात की थी मैं फिर से री इंफरसाइज करता हूँ उस बात को आपके पास चौबीस घंटे हैं करने के लिए आपके पास दस टास्क हैं आपने जैसे ही गोल सेट किया तो आपको पता चल गया उसमें से छः टास्क आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके पास बाकी जो चार टास्क हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो अब कैसे पता चलेगा कौन सी टास्क इंपॉर्टेंट है और कौन सी टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है तो अब एक जो आपको मैं एक टूल दे रहा हूं जिससे आप बेहतर तरीके से इफेक्टिव तरीके से टाइम मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उस टूल का नाम क्या है उस टूल को हम लोग बोलते हैं फोकस फनल क्या बोलते हैं हम लोग एवरी जिन लोगों ने सुना प्लीज टाइप इट एंड टेल मी फोकस फनल फोकस फनल का मतलब क्या होता है फोकस फनल का मतलब होता है आपके पास फनल देखी हम सब ने जो इस तरीके से आता है कि आप ऊपर बहुत सारा आपने अक्सर पेट्रोल पंप पे ये चीज़ देखी होगी कि वो ऊपर से पेट्रोल इस तरीके से भरते हैं और नीचे से एक ऐसा डंडा निकला होता है कुप्पी भी बोलते हैं कुछ लोग उसे आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं ऊपर से पर छेद क्योंकि छोटा होता है तो उसमें से एक एक इस तरीके से एक सिस्टम बिल्ड होता है उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी कम से कम जगह में पहुँच जाए यानी पानी का वेस्टेज क्या हो कम हो पानी का जो यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस अब क्या करना है अब ये बात समझनी है कि ये एक फोकस फनल है फोकस फनल का मतलब क्या होता है फोकस फनल का मतलब होता है फिल्टर कर देना चीजों को फिल्टर किन आधारों पर होंगी चीजें तो सबसे पहले मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया मैंने गोल सेट किया तो मुझे पता चल गया मेरे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, है क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है अब जो चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन चीज़ों को मुझे क्या करना है तो फोकस फनल का पहला प्रिया दीदी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फोकस फनल का जो पहला स्टेप है वो है एलिमिनेशन आपने आपका गोल सेट कर दिया आपको पता चल गया कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं आपने जैसे ही पता चल गया कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें सबसे पहले क्या करना है उन्हें एलिमिनेट करना है जो भी चीज़ें आपको आपके गोल के नज़दीक नहीं ला रही वो चीज़ें आपको आपके गोल से दूर ले जा रही हैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं अपने वर्ड्स जो भी चीजें आपको आपके गोल के नजदीक नहीं ला रही हैं वो चीजें आपको आपके गोल से दूर ले जा रही हैं अगर आप सुबह से उठकर शाम तक पांच अनप्रोडक्टिव चीजें करते हैं तो उन पांच अनप्रोडक्टिव चीजों को आपने उन्हीं 24 घंटे में किया है जिस 24 घंटे में आप उन प्रोडक्टिव चीजों को करते पर नहीं कर पाए क्योंकि आपने अपना टाइम क्या कर दिया था फालतू चीजों में वेस्ट कर दिया था तो पहला स्टेप क्या हो गया हर उस फालतू एक्टिविटी को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए जैसे ही आपने एलिमिनेट कर दिया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। एलिमिनेट कर दीजिए जंक फूड खाना एलिमिनेट कर दीजिए दोस्तों के साथ उन जगहों पर बैठना जहां पर आपको पता है कि कुछ ना कुछ ट्रिटबिट खाते रहते हैं आप अपने होटल्स की चॉइसेस चेंज कर दीजिए चेंज कर दीजिए कि जब आप होटल में जा रहे हैं तो आप क्या ऑर्डर करेंगे आप होटल में जा रहे हैं आप स्टार्टर्स भी ले रहे हैं फिर आप उसके बाद मेन कोर्स में दो सब्जियां भी ले रहे हैं दाल भी ले रहे हैं एवरी थिंग इज कैलरी जो भी चीज खा रहे हैं वो कैलरी है आप होटल में गए थे क्योंकि आपको अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना था इसका मतलब ये नहीं था कि आपको पच्चीस प्रकार के व्यंजन खाने थे क्योंकि हर चीज़ में ज्यादा कैलरी है तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिशेज uh, आप इनटेक करेंगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि कैलरी आपके अंदर ज्यादा जाएगी तो बिकॉज यू नो दैट कि आपका जो गोल है वो एक हेल्दी बॉडी है एक हेल्दी डाइट है इसीलिए कम से कम चीजें ऑर्डर करें तो कम से कम चीजें ऑर्डर करने का मतलब क्या हो गया आपने ज्यादा से ज्यादा चीजें एलिमिनेट कर दी ट्राई टू ईट एज लेस एज सिर्फ दाल और रोटी या सिर्फ पनीर की सब्जी और रोटी डोंट ऑर्डर एनीथिंग एल्स तो जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको डेजर्ट के थ्रू आ रही थी स्टार्टर के थ्रू आ रही थी सूप के थ्रू आ रही थी वो आना क्या हो गया कम हो गया एलिमिनेट जंक फूड फ्रॉम योर डाइट स्टार्ट इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक लाइक मोर वाटर तो अब आपने आपने क्या कर दिया? आपने eliminate कर दिया एलिमिनेट दी वो हर चीज जो आपको आपके गोल के नजदीक नहीं ला रही सेकेंड चीज क्या है सेकेंड चीज है ऑटोमेट कर दीजिए उन चीजों को जिन्हें आप ऑटोमेट कर सकते हैं याद कीजिए पहले अगर हमें कहीं पे भी पैसा देना होता था, तो हम तो पूछते थे भैया आसपास कहीं एटीएम है क्या और फिर हम वो चीज हमने ले ली है क्योंकि उसके पास यू uh, नो you know, एक uh, आ, पेमेंट के लिए आपके पास कार्ड है तो आप पहले क्या करते थे आप पहले ए ढूंढते थे जाकर फिर वो ए में आप ढूंढने जाते थे वहाँ लाइन में खड़े रहते थे पैसा होता था नहीं होता था आ, फिर आप दूसरा ए ढूंढते थे वापस आते थे यानी आपकी लाइफ का आधा घंटा पंद्रह मिनट हर बार ऐसे क्या होता था रोज़ कहीं ना कहीं ख़राब होता था आपने क्या कर दिया ऑटोमेट कर दिया अब पेटीएम आ गया पे ने क्या कर दिया पे ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी पैसा आपकी जेब से गया नहीं उसकी जेब में गया नहीं कुछ भी चेंज नहीं हुआ वैल्यू चली गई ट्रांजेक्ट हो गई बट द पॉइंट इज आपका टाइम कहीं पर भी वेस्ट नहीं हुआ कुछ लोगों को पेटीएम में इशू था तो गूगल आ गया सीधे अकाउंट में पैसा डाल देता है क्या कर रहा है ये ये ऑटोमेट कर रहा है चीजों को आप देखिए एक नया फीचर आया हुआ है कि आपका बिल जो है वो पांच तारीख को आ रहा है चार तारीख को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है पहले आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ता था चिंता करनी पड़ती थी कि अरे पांच तारीख तो लास्ट डेट है चार तारीख तक भरना ही है पर अब क्या होता है अब ऑटोमेटिकली अपने आप कट जाता है क्या बोलते हैं इसको ऑटोमेट ई में ये चीज होती है एक पर्टिकुलर डेट को ई का जो अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाता है आपने वो टाइम लगाया नहीं किसी और ने आपको रिमाइंड नहीं किया आपने एक बार ये चीज कर ली कि भैया चार तारीख को इतना पैसा मेरे अकाउंट से इतने बजे तक निकल जाएगा क्या आपने निकाला नहीं क्या किसी और ने हाथ से निकाला नहीं आपने ऑटोमेट कर दिया ऑटोमेट करने से क्या हो गया आपको उस चीज़ के ऊपर अब टाइम देने की जरूरत नहीं है एफर्ट देने की जरूरत नहीं है उस चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं है तो ये चीज़ें आपने अवॉइड कर करके करके कर 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 आप पूछिए अपने आप से क्या क्या चीज़ें मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे डायरेक्टली फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑटोमेट करने के बाद अगला क्या करना है डेलीगेट करना है डेलीगेट करने का मतलब क्या होता है वो काम जो आपके टाइम के वर्थ नहीं है वो काम जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है पर आपको करना ही है उस चीज़ को डेलीगेट कर दीजिए लाइफ में जितने भी सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं जो भी आपके रोल मॉडल्स होंगे बड़े बिजनेसमैन बड़े पॉलिटिशियंस देखिए सबके पास डेलीगेशन है डेलीगेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ बिकॉज जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा इवेंट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको करनी होती हैं पर हर एक्टिविटी जो आपको करनी है ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए इक्वली प्रोडक्टिव हो तो आपने क्या कर दिया जो एक्टिविटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती अब जो एक सिंपल सी बात देखिए ये वीडियोज़ बनाने थे ये एक्चुअली कॉलेज किसका है तो कॉलेज के डायरेक्टर्स चेयरमैन का कॉलेज है अब अगर मैं बात करूँ उन्होंने क्या कर दिया टीचिंग वाला जो पार्ट था वो टीचर्स की एक्सपर्टीज़ के अनुसार उन्हें डेलीगेट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन वाला जितना भी काम था वो एडमिनिस्ट्रेटर को डेलीगेट कर दिया एचआर से रिलेटेड जितना भी काम था वो एचआर को डेलीगेट कर दिया क्योंकि टीचर्स को अटेंडेंस लगाना है टीचर्स को रिकॉर्ड मेंटेन करना है आ, टीचर्स को नंबर असाइन करने है तो टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि उनके पास बहुत सारे यू नो you know, बच्चे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो टीचर्स ने हर क्लास में क्या कर दिया मॉनिटर्स बना दिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया और उस क्लास का पर्टिकुलर काम क्या कर दिया उन बच्चों को डेलीगेट कर दिया उन स्टूडेंट्स को डेलीगेट कर दिया क्या हुआ यहाँ पर हर व्यक्ति अपने काम को कुछ काम जो होता है ट्वेंटी परसेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या कर दिया वो उसने खुद कर लिया और जो काम वो किसी और को दे सकता था या किसी और के अंदर उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ हो सकती थी तो उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने वो काम उसे डेलीगेट कर दिया देखिए आपको क्या लग रहा है ये सेशन अगर मैं नहीं लेता तो क्या अमर सर नहीं ले पाते बट अमर सर पर्सनली बिलीव्स के टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं बहुत अच्छे से डिलीवर करता हूँ तो उन्होंने क्या किया उन्होंने जैसे ही बात आई है टाइम मैनेजमेंट पर सेशन लेना है तो उन्होंने बोला मैं नहीं लूँगा मैं लेगा उन्होंने मेरी एक्सपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या कर दिया वो सेशन मुझे डेलीगेट कर दिया हर चीज़ हम लोग डेलीगेट कर देते हैं आप देखिए मम्मी भी क्या करती हैं अगर बहुत ज़्यादा काम होता है वो काम नहीं निपट रहा होता मम्मी बाई को बुला लेती हैं बाई क्या करती है वो सारे काम जो करने तो हैं पर वो मम्मी नहीं करेगी तब भी चल जाएगा वो काम क्या कर दिया बाई को डेलीगेट कर दिया अब अगर मैं एक लेवल ऊपर बात करूँ जो वर्किंग वुमेन होती हैं जो काम भी करती है जिन्हें घर भी संभालना होता है वो हर काम तो खुद से नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है वो हर जगह इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं कर सकती क्योंकि हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है तो पोछा लगाना झाड़ू लगाना इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफ़िस में काम करने के बराबर खाना बनाना भी कई बार नहीं है तो जो वर्किंग वूमेन्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं वो घर भी मैनेज करती हैं और वो ऑफिस भी मैनेज करती हैं पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करती हैं वो घर के बहुत सारे काम डेलीगेट कर देती हैं डेलीगेट करने का फ़ायदा क्या होता है हस्बैंड से बोल दिया सब्जियां तुम लेते आना बाई से बोल दिया खाना तुम बना लेना तो बाई ने खाना बनाकर रख दिया खाना बन गया भाई ने पोछा लगा दिया झाड़ू लगा दी कपड़े धोने वाले ने कपड़े धोके डाल दिए घर के सारे काम भी हो गए क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट तो थे पर एज अ वर्किंग वुमेन वो उसके लिए इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे हमें भी समझना है कौन से काम हम किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं ताकि हमारा वैल्यूएबल टाइम इनवैल्यूएबल एक्टिविटीज़ में कभी भी खर्च ना हो अब आपने चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया ऑटोमेट कर दिया डेलीट कर दिया अब लास्ट में क्या करना है लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है अगर आपके पास एलिमिनेट करने के बाद ऑटोमेट करने के बाद डेलीगेट करने के बाद भी अगर काम बच रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ हमने देखिए प्रोकेस्टिनेशन को कितना गलत समझा है प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है वो एक्चुअली दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये कितना बड़ा एक चॉइस है पर हम क्या समझते हैं सर मैं बहुत ज्यादा प्रोकेस्टिनेट करता हूं सर मैं चीजों को कल पे डालता हूं यह तो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आई स्टिल रिमेंबर आई रेड अबाउट स्टीव जॉब्स और स्टीव जॉब्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रूटीन फॉलो करते थे उनकी जो असिस्टेंट होती थी जो उनकी पीए थी वो उनसे एक वीक एडवांस्ड का जो शेड्यूल होता था वो बनवा लेते थे, थे और हर दिन एक दिन पहले वो पिछले शेड्यूल को मॉनिटर करते थे और ये पूछते थे इनमें से कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अगर मैं आज ना भी करूं तो चल जाए और उन्हें वो वीक के लेटर टाइम में शेड्यूल करते थे और वो ये पूछते थे उस पूरे वीकली शेड्यूल में तो हर मंडे को जब उनके पास मॉर्निंग में एक शेड्यूल आता था तो पूरा वो वीकली शेड्यूल मॉनिटर करते थे बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को वो पूरा वीकली शेड्यूल मॉनिटर करते थे और वही पूछते थे कि अगर ये दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन है अगर ये दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन है तो कौन सा ऐसा काम है जो मैं टाल सकता हूँ जो काम मैं टाल सकता हूँ उन्हें मैं आज करने के बजाय कल परसों नरसों दरसों उसके बाद करूँगा और वीक के बाकी दिनों में कौन से ऐसे काम है जो अगर ये मेरा आज का आखिरी दिन हुआ मेरी लाइफ का तो अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे अखरेगी या मेरी कंपनी को इससे नुकसान हो सकता है वो सारी चीजें जो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे शेड्यूल होती थी वो उन्हें मंडे शेड्यूल करवा लेते थे और वो मंडे को शेड्यूल चीजें जिन्हें प्रोकेस्टिनेट किया जा सकता था जिन्हें टाला जा सकता था वो उन्हें मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को प्रोकेस्टिनेट कर देते थे और कई बार ऐसा भी होता था कि वो ट्यूसडे को उसे फिर प्रोकेस्टिनेट कर देते थे वेडनेसडे को फिर प्रोकेस्टिनेट कर देते थे बिकॉज एवरीथिंग दैट यू डू इज नॉट वर्थ योर टाइम एंड मोर सक्सेसफुल पीपल अंडरस्टैंड दिस इसीलिए वो क्या करते हैं प्रोकेस्टिनेट कर देते हैं चीजों को तब तक टाल देते हैं जब तक वो चीजें टाली जा सकती हैं पर पर उनका इंपैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर नहीं पड़ेगा जैसे आप आ, रात में यू नो घूमने जाते हैं आप रात में आ, कहीं किसी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं बट आपके पास वही एक घंटा है अब वही एक घंटा आपको आपकी फैमिली को भी देना है और वही एक घंटे में आपको कोई कॉल करके बोलता है सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ वॉट यू विल डू यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है सो यू विल से एक काम करते हैं क्या ये फ़ोन पे नहीं हो सकता या क्या हम इसको सैटरडे रख लें या संडे रख लें तो क्या किया आपने उस चीज़ को वहाँ से उठाकर वीक के एंड में रख दिया क्यों बिकॉज यू नो दैट आप दो काम एक ही टाइम पर नहीं कर सकते और अगर आप एक लेस इंपॉर्टेंट काम उस टाइम पे करेंगे तो जो मोर इंपॉर्टेंट काम है आप उसे टाइम नहीं दे पाएंगे तो इसलिए आपने क्या कर दिया प्रोकेस्टिनेट कर दिया तो ये चार स्टेप्स थे सबसे पहला स्टेप था एलिमिनेट दूसरा था ऑटोमेट तीसरा था डेलीगेट चौथा था प्रोकेस्टिनेट और पांचवा स्टेप होता है कंसनट्रेट फोकस फनल पांच स्टेप की प्रोसेस है पहला स्टेप है एलिमिनेट दूसरा है ऑटोमेट तीसरा है डेलीगेट चौथा है प्रोकेस्टिनेट और पाँचवा है कंसंट्रेट जो भी एक्टिविटी आपसे एलिमिनेट नहीं हुई आपसे ऑटोमेट नहीं हुई आपसे डेलीगेट नहीं हुई आपसे प्रोकेस्टिनेट नहीं हुई बेटा वो एक्टिविटी करने में ही आपकी भलाई है और वो जो एक्टिविटी इन फिल्टर से निकल कर आई है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है आपके लाइफ की उसको सारी चीज़ें छोड़कर पूरे फोकस के साथ करो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपने क्या कर दी एलिमिनेट कर दी हटा दी या किसी और को दे दी या ऑटोमैट कर दी या कल पर डाल दी या परसों पर डाल दी पर जो चीज़ आज बची है वो बची ही इसलिए है क्योंकि वो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो आई होप ये टूल आपको बहुत इफ़ेक्टिव लगा होगा इस टूल को आप यूटिलाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अब मैं आपसे लास्ट में बात कर लेता हूँ कुछ चैलेंजेस जो आते हैं हमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर देखिए जो लास्ट में एक्टिविटीज़ निकल कर आती हैं उन एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं एम आई का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जिसको मैंने अपने लास्ट सेशन में की स्टोन हैबिट्स भी बोला था वो चीज़ें जिनको टाला नहीं जा सकता उन्हें किसी भी कीमत पर टाला नहीं जाना चाहिए अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली कि आपके पर डे में ये चार एम हैं ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी कीमत पर प्रोकेस्टोनेट नहीं होनी चाहिए एलिमिनेट नहीं होनी चाहिए उन एक्टिविटीज़ को पूरे कंसनट्रेशन के साथ करें अब ये अच्छे से हो सके इसके लिए ज़रूरी क्या है तो अगर ये अच्छे से हो सके तो इसके लिए जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ क्या है वो चीज़ ये समझना है कि बहुत सारे काम ऐसे आएंगे आपके पास सुबह से लेकर शाम तक आपके बॉस ने आपको डेलीगेट कर दिया आपके बॉस के बॉस ने आपके बॉस को डेलीगेट किया था उसने आपको डेलीगेट कर दिया वो तो सही कर रहे हैं अपने लिए पर क्या आप अपने लिए सही कर रहे हो लर्न टू से नो टू एवरी थिंग दैट इज़ नॉट टेकिंग यू टू योर गोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है मना करना टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बिकॉज वी आर वेरी गुड ह्यूमन बींगस हम अपने आप को बहुत अच्छा इंसान समझते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता आता है है सबसे बड़ा चैलेंज ये कि हम से कई कई बार बार आपसे अपने लोगों सुना होगा सॉरी आपने चीज सुनी होगी सर मेरे से ना बोलते नहीं बनती एक, एक आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सुन लें आपसे ना बोलते बने या ना बने आप ना बोल ही रहे हैं अगर आप नौ से दस किसी ऐसे काम को हाँ बोल रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते बट सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है सामने वाले को बुरा लग जाएगा आपसे ना नहीं बोला जा रहा तो बेटा सबसे पहले इस बात को समझ लो कि जैसे ही आपने नौ से दस उस एक्टिविटी को हाँ बोला अब आप दुनिया में कोई भी एक्टिविटी नौ से दस नहीं कर सकते यानी एक चीज़ को हाँ बोलने का मतलब बाकी बची हुई निन्यानवे चीज़ों को ना बोलना है तो अल्टीमेटली तो आपने ना बोल ही दिया आपने ना बोल दिया जिम जाने को आपने ना बोल दिया हेल्दी ईटिंग को आपने ना बोल दिया अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को आपने ना बोल दिया अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के टाइम को आपने ना बोल दिया हर उस चीज़ को जो आपको करना चाहिए था सिर्फ इसलिए क्योंकि आपसे किसी एक व्यक्ति को ना नहीं बोला जाता ना तो बोलना पड़ेगा चाहे मन से चाहे बेमन से चाहे ज़्यादा नुकसान उठाकर चाहे कम नुकसान उठाकर क्योंकि जिस व्यक्ति को आपके ना बोलने का इतना बुरा लग गया वो ये बात समझ ही नहीं रहा कि आपको ये भी समझना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है अगर मेरा कोई सच्चा दोस्त है और वो मुझसे कोई चीज़ बोल रहा है मैं मना कर रहा हूँ तो वो ये बात भी समझ रहा है कि अगर सही में मेरे लिए वो चीज़ करना आसान होती तो शायद मैं ना बोलता ही नहीं मैंने ना बोला ही इसलिए है क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ दूसरी हैं या मेरे पास सही में टाइम नहीं है तो जो व्यक्ति बुरा मान ले वो आपका दोस्त कैसा और जो बुरा ना माने तो आपको फ़र्क क्या पड़ना है फ़ोकस करें अपने लाइफ के गोल्स के ऊपर फोकस करें उन एक्टिविटीज़ पर जो आपको मैटर करती हैं सो आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा हमने सेशन में बात की टाइम मैनेजमेंट के बारे में टाइम क्या होता है मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है मैनेजमेंट का मतलब हमने डिस्कस किया था कंट्रोल करना और कंट्रोल करने का मतलब होता है मैनुपलेट करना और डिप्लॉय करना सही एक्टिविटी के ऊपर सही टाइम डिप्लॉय करना टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है इस बात को समझना कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास उतना ही टाइम होगा जितना हमेशा होता है पर एक्टिविटीज़ का नंबर टाइम के साथ साथ साथ-साथ साथ बढ़ता जाएगा तो टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि यू कैन नॉट गिव टाइम टू एवरीथिंग। तो लाइफ में उन एक्टिविटीज़ को श्रिंक करते जाना और हर एक्टिविटी को जितना टाइम देते हो ये डिसाइड करना कि किस एक्टिविटी को कितना टाइम डिजर्व करता है और किस एक्टिविटी पे कितना टाइम डिजर्व नहीं करता उसके बाद हमने बात की थी सेट योर गोल्स पी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अगर ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम बहुत ईजीली अपने गोल्स तक पहुँच सकते हैं पी यानी प्रायोरिटाइज प्लान ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट उसके बाद हमने बात की थी जितनी भी एक्टिविटीज़ बचती हैं उसको एक फ़नल में डाल दो फोकस फनल का मतलब होता है क्या क्या करना है और क्या क्या करना चाहिए क्या क्या करना ज़रूरी है तो 25 चीज़ें करनी है पर इस फनल से एलिमिनेट होकर सिर्फ पांच चीज़ें बचकर आएंगी और वो पांच चीज़ें आपके लिए क्या हैं वो पांच चीज़ें आपके लिए एम है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क वो पांच चीज़ें आपके लिए क्या हैं किटोन हैबिट्स हैं उन हैबिट के आसपास अपना पूरा रूटीन बिल्ड कर दीजिए चाहे कुछ भी हो जाए अपने रूटीन के ऊपर फ़र्क मत पड़ने दीजिए आपके रूटीन को जो भी चीज़ डिस्टर्ब करती है उससे नो बोलिए और वो सारी चीज़ें जो आपके लिए एम हैं उन्हें किसी भी हालत में प्रोकेस्टिनेट मत करें एलिमिनेट मत करें एंड आई पर्सनली बिलीव यू विल बी मोर प्रोडक्टिव यू विल बी मोर रिजल्ट ओरिएंटेड यू विल बी मोर हैप्पी इन योर लाइफ यू विल हैव बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल हैव लेस स्ट्रेस एंड मोर हैप्पीनेस इन इन योर लाइफ गाइज माई नेम इज़ माइंग गुप्ता अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड लीव द कमेंट उसके अलावा मेरा एक फेसबुक uh, पेज है माइक गुप्ता के नाम से जहाँ पर मैं इस तरीके से सेशंस लेता रहता हूँ प्लीज़ विजिट दैट पेज उसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ वीडियोस बनाता हूँ ताकि मैं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकूँ सो प्लीज़ विजिट दैट पेज प्लीज़ लाइक इट सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर वैल्यू इन योर लाइफ थैंक यू सो मच शेयर इट विद योर फ्रेंड्स लाइक इट इफ यू कैन लीव अ कमेंट थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर टाइम